हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं 2013 में आई द लॉज मूवी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपने दो बच्चे एडन और मिया के साथ कहीं जा रही होती है। दरअसल वो औरत जिसका नाम लौरा होता है वो अपने पति के घर जा रही होती है और उसके पति का नाम होता है रिचर्ड, जो कि अपनी फैमिली से अलग रह रहा होता है और उसका अफेयर किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा होता है। तभी रिचर्ड अपनी पत्नी को कहता है कि अब वो उससे डिवोर्स चाहता है और ग्रेस से शादी करना चाहता है जो कि उसकी प्रेमिका होती है। और ये सुनते ही लौरा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लौरा के हाथ में एक बंदूक होती है और वो बंदूक अपने मुंह में डालकर चला देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम मियाँ और एडन को अपने पिता रिचर्ड के साथ देखते हैं जहाँ उनकी माँ का फ्यूनर हो रहा होता है। इसके बाद मूवी में कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिचर्ड अपने दोनों बच्चे मियाँ और एडन को बताता है कि इस क्रिसमस पर वो सब कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करेंगे और साथ में ग्रेस भी होगी जो कि रिचर्ड की प्रेमिका होती है। तभी एडन कहता है कि वो दोनों ग्रेस के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि उसी की वजह से उनकी माँ ने सुसाइड किया था, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिया और एडन अपने पिता के कंप्यूटर से ग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि आखिर ग्रेस है कौन, क्योंकि उन दोनों ने ग्रेस को पहले कभी नहीं देखा। तभी उन दोनों को पता चलता है कि ग्रेस एक साइकोपैथ है। पर तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और वो अपने दोनों बच्चों से ग्रेस के साथ उस लॉज में क्रिसमस मनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो दोनों फाइनली अग्री हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सब कार में बैठकर ग्रेस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ग्रेस वहां पर पहुंच जाती है और उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है। तभी रिचर्ड अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वो सब लोग घर से बाहर एक सुनसान लॉज में पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक कोई भी सैन नहीं होता। तभी उस लॉज में पहुंचते ही रिचर्ड सबके लिए खाना बनाने लगता है। तभी सब खाना खाने लगते हैं। तभी मियाँ प्रेयर करती है और मियाँ को प्रेयर करते थे ग्रेस की नाक से खून निकलने लगता है, पर ग्रेस किसी के देखने से पहले अपनी नाक से वो खून पूछ लेती है। तभी अगले दिन रिचर्ड किसी काम से शहर जाने लगता है और ग्रेस को कहता है कि क्रिसमस से पहले वो वहां पर दोबारा से लौट आएगा, तब तक वो मिया और एडन के साथ घुल मिल जाए क्योंकि अब उन सबको साथ मिलकर रहना है, और इतना कहकर रिचर्ड वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस मिया के साथ घुल मिल गई होती है, पर एडन अभी भी ग्रेस से नफरत करता है। तभी ग्रेस एडन के पास जाती है और पूछती है कि उन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, पर एडन उससे बात करने से मना कर देता है। तभी एडन को रियलाइज होता है कि जो भी कुछ हुआ है उसमें ग्रेस की कुछ भी गलती नहीं है, और फाइनली मिया और एडन दोनों ग्रेस से घुल मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रेस सोकर उठती है और जब वो सोकर उठती है तो देखती है घर में सारी चीजें गायब हो चुकी हैं और उसकी दवाई भी नहीं मिलती। तभी ग्रेस मिया और एडन से पूछती है कि कहीं तुमने मेरी दवाई तो नहीं छुपाई, पर वो दोनों मना कर देते हैं। तभी एडन और मिया ग्रेस को एक न्यूज़पेपर दिखाते हैं और जब ग्रेस उस न्यूज़पेपर को देखती है तो उसे पता चलता है कि उन सब की मौत की खबर उस न्यूज़पेपर में आई होती है, और उसे ये भी पता चलता है कि सब चीजें घर से गायब कैसे हुई। और वो जाकर घड़ी में टाइम देखती है तो उसमें 9 जनवरी का टाइम दिखा रहा होता है। तभी ग्रेस उस घर को छोड़कर जाने लगती है और मिया और एडन को भी साथ आने के लिए बोलती है, पर वो दोनों आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और बाहर मौसम भी खराब है इसलिए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर ग्रेस अकेली जाने लगती है और बहुत दूर तक जाने के बाद भी उसे कोई इंसानी बस्ती या फिर कोई शहर नहीं मिलता। तभी ग्रेस उस लॉज पर वापस आ जाती है और घर वापस आते समय उसे उसका कुत्ता मिलता है जो कि बर्फ में जमकर मर गया होता है। तभी ग्रेस उस लॉज के बाहर कुत्ते को लेकर बैठ जाती है और कहीं ना कहीं अब ग्रेस को भी लगने लगा होता है कि जिस दिन वो सो रहे थे तब कुछ ना कुछ हुआ था जिसमें वो तीनों मारे गए। तभी ग्रेस को उदास देख एडन उसके पास पहुंचता है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि एडन और मिया ने मिलकर वो सब नाटक किया होता है जब वो सो रहे होते हैं। तभी उन्होंने घर का सारा सामान और ग्रेस की दवाइयाँ छिपा दी होती हैं और घर की सारी बिजलियाँ भी काट दी होती हैं, पर ग्रेस को उनकी बात पर यकीन नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड भी वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि मिया और एडन ने गलत टाइम सेट कर रखा होता है इसलिए उस दिन क्रिसमस होता है। तभी रिचर्ड उस लॉज पर पहुँचता है तो देखता है कि ग्रेस के हाथ में एक बंदूक होती है और वो मिया और एडन को मारने वाली होती है क्योंकि ग्रेस को लगता है कि वो सब मर चुके हैं और वहाँ पर सिर्फ उनकी आत्मा है जो कि उस घर में कैद है और इसलिए वो सबको मार कर आज़ाद करना चाहती है, पर रिचर्ड उसको रोकने लगता है। तभी ग्रेस रिचर्ड पर बंदूक चला देती है और रिचर्ड मारा जाता है, पर रिचर्ड की मौत का ग्रेस को कोई भी अफसोस नहीं होता क्योंकि उसे यह सब रियलिटी नहीं लगती। और तभी मूवी के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि ग्रेस और मिया और एडन एक टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ रिचर्ड की बॉडी होती है। दोस्तों, जैसा कि मूवी के स्टार्ट में हमें पता चला था कि ग्रेस एक साइकोपैथ थी और मिया और एडन के मजाक से उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा होता है। अभी हम उन तीनों को देखते हैं जो कि भगवान से कह रहे होते हैं कि भगवान हमसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दे और हमें अपने चरण में ले ले, और मूवी बिना किसी हैप्पी एंडिंग के यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, इस मूवी से हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि एक छोटा सा मजाक कितना नुकसान कर सकता है और किसी इंसान पर कितना गहरा असर छोड़ सकता है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें।